हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 22nd of August, October 2023। तो संडे की आज एनालिसिस आती है ये, जिसमें कुछ अच्छे सेक्शंस आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस का डिस्कशन। जो सबसे पहली आज की इम्पोर्टेंट एक खबर रही है, दैट इज रिगार्डिंग गगनयान टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल। तो गगनयान की जो टेस्ट फ्लाइट थी वो सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है। कहाँ से ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहाँ से जो है ये टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंडक्ट करने में जो है हुआ है। जो टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन था हमारा, जिसको TVD1 नाम दिया गया है, इट वाज मीट टू सिमुलेट एन अबोर्ट सिचुएशन एंड डेमोन्स्ट्रेट द सिस्टम टू सेफली कैरी द क्रू मॉड्यूल आउट ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था, जो ये मिशन था इसका, कि सक्सेसफुली टेस्ट करना। उसके बाद जो देखते हैं आज की क्या है इम्पोर्टेंट खबर, हाँ एक यहाँ पे भी खबर थी, जो आर्मी का प्रोजेक्ट है उद्भव। तो आपको याद रखना है ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। और प्रोजेक्ट का जो मेन एम है, इट इज एट इंटीग्रेटिंग एंशियंट विजडम विद मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी थ्रू इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च वर्कशॉप एंड लीडरशिप सेमिनार्स। और ये करेगा क्या, इट विल ऑल्सो फैसिलिट इमरजेंस ऑफ अंडर एक्सप्लोर्ड थ्योरीज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो मेनली जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इट विल सिंथेसाइज एंशियंट विजडम विद कंटेम्पररी मिलिट्री प्रैक्टिसेज, फोर्जिंग अ यूनिक एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस। जो मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंज उसको एड्रेस करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच, यूनिक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो बनाई जाएगी। किस किस को, एंशियंट विजडम को यूज करके और जो कंटेम्पररी मिलिट्री प्रैक्टिसेज है उनको एक तरह से इंटीग्रेट करके, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में बोला है कि जो प्रोजेक्ट उद्भव है, इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, USI इसको बोलते हैं। ये डिफेंस सर्विसेज का एक थिंक टैंक है। एंड इट वॉज लॉन्च एट द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज करा था USI ने, ठीक है ना, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही इसके बारे में जानना जरूरी था। आगे देखते हैं, यस साइंस का सेक्शन है आज। तो साइंस में जो पहली है, पहला आर्टिकल था, दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम जानते हैं H5N1, इसमें बोला है इन्होंने। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस है, दे अंडर को मेजर एवोल्यूशनरी चेंजेस, यहाँ पे बात किया है। जो ये H5N1 इन्फ्लुएंजा है, H5 इन्फ्लुएंजा इसको जो बोलते हैं बेसिकली, ये हाईली पैथोजेनिक है जो एवियन H5N1 वायरस है उसकी एक्टिविटी। एंड इट हैज इंटेंसिफाइड ग्लोबली सिंस 2021, 2021 से देखें तो इसकी जो एक्टिविटी वो काफी इंटेंसिफाई देखने को मिली है। इन्फेक्टिंग एंड किलिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड पाउल्ट्री एज वेल एज पोजिंग अ रिस्क टू मैमल्स, ठीक है ना। और आपको ये ध्यान रखना है प्री के लिए, तो ये जो H5N1 जो इमर्ज हुआ था, ये चाइना में इमर्ज हुआ था और 1996 में ये सबसे पहले जो है इमर्ज हुआ था। उसके बाद बियॉन्ड एशिया अगर देखें तो ये 2014 के बाद एस्केलेट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दैट इज पॉसिबल पाथवे फॉर लॉन्ग कोविड पैथोजेनेसिस अनकवर्ड। जिनको लॉन्ग पीरियड के लिए जो कोविड से अफेक्टेड रहते पीपल, तो उनमें क्या क्या पॉसिबल पाथवे रहा है, क्या क्या चेंजेस रहे थे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे अनकवर किया गया है। तो रिसर्चर्स ने असेस किया था मेटाबोलाइट प्रोफाइल को उन इंडिविजुअल जो लॉन्ग कोविड से अफेक्टेड हुए थे, और उन्होंने ये पाया कि जो सीरोटोनिन अबेंडेंस है वो उसमें जो है रिड्यूस हुआ था दोनों ही टाइम पे, एक्यूट कोविड-19 में भी और जो इंडिविजुअल जिनको मल्टीपल लॉन्ग टर्म सिम्टम्स थे उनमें भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा का पूरा यहीं पे आर्टिकल जिस्ट में बता दिया है, जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं रिड्यूस वो एसोसिएट थे लॉन्ग टर्म कोविड के साथ। तो जो कोहोर्ट ऑफ मोर देन 1500 इंडिविजुअल्स विद लॉन्ग कोविड वर फॉलोड अप, उसमें क्या पाया गया, पहला तो ये कि डिक्रीज सेरोटोनिन जो है लेवल्स देखने को मिले, और उनकी वजह से क्या होता है, उन्होंने मेमोरी प्रॉब्लम्स को जो है थोड़ा सा उसको देखने को मिला उनकी वजह से, ब्रेन फॉग के इवेंट्स रहे, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन टास्क एंड फैटिक इन पीपल विद लॉन्ग कोविड, ये सारे सिम्टम्स थे जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोविड से अफेक्टेड रहे थे। फिर जो रिड्यूस सेरोटोनिन था लेवल्स था, दीज आर सोन सीन बोथ ड्यूरिंग एक्यूट कोविड-19 एंड इन इंडिविजुअल लॉन्ग कोविड, दोनों ही इंडिविजुअल्स में देखने को मिले सेरोटोनिन लेवल्स के रिडक्शन। फिर जो SARS-CoV-2 वायरस था, इन्फेक्शन था, इट लीड्स टू सेरोटोनिन रिडक्शन थ्रू Type 1 इंटरफेरॉन सिग्नलिंग, और ये किसके थ्रू हुआ था, Type 1 जो इंटरफेरॉन सिग्नल है उसके थ्रू जो है रिडक्शन देखने को मिला था। जो सेरोटोनिन लेवल्स थे वो नॉर्मल हो गए, नॉर्मल लेवल्स पे आ गए एक्यूट इन्फेक्शन के बाद, तो है जो एक्यूट इन्फेक्शन का फेज था उसके बाद नॉर्मल लेवल पे आ गए थे ज्यादातर लोगों में। लेकिन जिनको क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन हुआ था उनको सस्टेंड पीरियड के लिए सेरोटोनिन रिडक्शन उनमें देखने को मिला था। तो जो सेरोटोनिन लेवल के रिड्यूस जो लेवल्स थे, जो भी ये लॉन्ग टर्म के लिए लोग अफेक्ट हुए थे कोविड से, उनमें कंसिक्वेंसेज ये रहे कि उनके एक तो अनरिजॉल्व्ड इन्फ्लेमेशन देखने को मिला उनमें, और जो वायरल प्रोडक्ट्स थे उनकी वजह से जो इंड्यूस हुआ था अनरिजॉल्व्ड इन्फ्लेमेशन वो देखने को मिला। फिर लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिप्टोफैन भी देखने को मिला है,
ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड है जो कि मेनली हेल्प करता है सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने में इन द गट। तो ट्रिप्टोफेन की मदद से जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है सीरोटोनिन। और जो इसी की वजह से, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जब अवेलेबिलिटी कम रहेगी ट्रिप्टोफेन की, तो जो सीरोटोनिन का लेवल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन से क्या हुआ है वही कि इसकी वजह से जो एक्टिवेशन था वेगस नर्व का वो काफी कम हो गया उसमें देखने को मिला, और उसकी वजह से जो मेमोरी है वो इम्पेयर रही है। ठीक है ना, इम्प्लीकेशन तो हमने देख ली, जो फाइंडिंग्स है इस रिसर्च की जो है वो बेसिकली हेल्प करेंगी कि डेवलपमेंट करने में नए टूल्स टू डायग्नोज लॉन्ग कोविड, की लॉन्ग कोविड टर्म्स में डायग्नोज करने के लिए नए टूल्स को डेवलप करने में ये हमारी रिसर्च हेल्प करने वाली है। ठीक है ना, उसके बाद एक और आर्टिकल है जो चार एकदम से एक ही मतलब विद इन वीक्स जो चार अर्थक्वेक देखने को मिले थे अफगानिस्तान वाले रीजन में, हेरात के पास, हेरात वाले रीजन में, उसके रिगार्डिंग ये बोला है। तो जो फोर अर्थक्वेक हुए अक्टूबर में नियर हेरात अफगानिस्तान, इनको जो है बोला गया ये मल्टीप्लेट्स है, इनको मेन शॉक से आफ्टर शॉक्स ना कह के मल्टीप्लेट्स बोला है, क्योंकि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अबाउट वीक एक हफ्ते के अंदर एक रीजन जो लगभग 400 किलोमीटर है हेरात अफगानिस्तान से, उसको चार शैलो फोकस के अर्थक्वेक्स ने जो है जिनका मैग्नीट्यूड पे रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 6.3 था उन्होंने अफेक्ट किया था। और चारों के चार अर्थक्वेक थे वो ईस्ट वेस्ट स्ट्राइकिंग फोल्ट प्लेन्स जो हैं उन पे स्ट्राइक किया है इन्होंने, दैट डिप टू आइदर द नॉर्थ और द साउथ। और जो ये अर्थक्वेक्स हैं दीज ऑकर्ड विद इन द यूरेशिया प्लेट इन एन इंट्रा कॉन्टिनेंटल माउंटेन प्लेट, इस रीजन में बेसिकली यूरेशियन प्लेट में देखने को मिले हैं। जो आफ्टर शॉक्स थे बाय डिफॉल्ट उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन होता है मेन इवेंट से, लेकिन ये जो चारों के चारों अर्थक्वेक थे वो हेरात के पास जो हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वो सेम ही मैग्नीट्यूड के अर्थ हुए हैं। तो इसलिए जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इनको क्या बोला है कि उनको मल्टीप्लेट्स बोला है, ना कि उनको मेन शॉक या फोर शॉक या आफ्टर शॉक्स कैटेगरी में ना रखे, उनको मल्टीप्लेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना, और ये एक एग्जैक्ट स्पॉट पे नहीं हुए, अगर लोगों को ये भी है कि वो एक ही एग्जैक्ट स्पॉट पे हुए तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो जो है उन्होंने जो पोर्शन था सेम फॉल्ट लाइन का उनको अलग अलग जगह से रप्चर किया था उसकी लेंथ में, जैसे मान लो ये फॉल्ट लाइन है तो एक यहाँ पे आ गया एक यहाँ पे आ गया, इस तरीके से अलग अलग जगह रप्चर किया है। ठीक है ना, रेयर फिनोमिना है कि चार अर्थक्वेक सेम इंटेंसिटी के आपको विद इन 1 वीक जो है देखने को मिले हों। ठीक है ना, नेक्स्ट इज अ ब्राइट फास्ट रेडियो बस्ट प्रोब द डिस्टेंट यूनिवर्स। तो FRBs को जान लेते हैं, डेफिनेशन है प्री के लिए याद रखना है। जो फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं ये ब्रीफ पल्सेज होती हैं रेडियो एमिशंस की, ओरिजिनेट कहाँ से होती है फ्रॉम डिस्टेंट एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेज, जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेज हैं जो मतलब आउटर गैलेक्सीज हैं वहाँ से जो है वो ये जो FRBs हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, FAQs में आज देख लेते हो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज पूछा गया वो पूछा क्या इंडिया को जरूरत है कि जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसको रिलुक किया जाए, क्योंकि जो अभी आपने देखा होगा जो फ्रीक्वेंसी और स्केल डिजास्टर्स देखने को मिले सिक्किम में और हिमाचल प्रदेश में, तो उनमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट जो है वो हो रहा है, डैम सेफ्टी एक्ट को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। उसकी वजह से ऑथर ने पूछा कि क्या रिलुक करने की जरूरत है डैम सेफ्टी एक्ट को या नहीं। तो इंडिया जो कि जिसमें लगभग 6000 लार्ज डैम्स हैं और अबाउट 80% जो उनमें से डैम्स हैं वो लगभग 25 साल से ज्यादा पुराने हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें सेफ्टी रिस्क तो है। ठीक है, तो स्टेट्स को क्या करना चाहिए भाई, स्टेट्स को ये करना चाहिए कि जो प्रोविजंस हैं जो डैम सेफ्टी एक्ट, तो जो 2021 का ये है, हाँ 2021 का दिसंबर 2021 में डैम सेफ्टी एक्ट पास हुआ था उसमें कुछ प्रोविजंस रखे थे, और प्रोविजन में ये था स्टेट को क्लासीफाई करना पड़ेगा डैम्स को बेस्ड ऑन हजार्ड रिस्क, और वहाँ पे कंडक्ट करने पड़ेंगे रेगुलर इंस्पेक्शंस, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम्स को, और अंडरटेक करने पड़ेंगे सेफ्टी रिव्यूज और पीरियड रिस्क असेसमेंट स्टडीज करने पड़ेंगे। ये सारे प्रोविजंस थे जो कि डैम सेफ्टी एक्ट में प्रोवाइड थे कि स्टेट्स को क्या क्या करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि स्टेट्स को ये भी बोला गया था कि रिपोर्ट करें और रिकॉर्ड करें इंसिडेंट्स ऑफ डैम फेलियर, जो भी डैम फेलियर्स के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट भी करें उनको रिकॉर्ड भी करें। ठीक है ना, लेकिन क्या ये हुआ है नहीं हुआ यही बात है। तो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जो सिक्किम का इंसिडेंट है इसने एग्जाम्पलीफाई किया कि जो कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं लेजिस्लेशन में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी उनको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है, उससे पता चलता है कि कुछ यहाँ पे मतलब फॉल्ट्स हैं, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो रह गए हैं। तो जो DSA है जो डैम सेफ्टी एक्ट है इट डज नॉट प्रमोट रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड फेज टू इंसेंटिवाइज ट्रांसपेरेंसी, तो ये लैक होल लूप होल जो है ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जो वो प्रमोट नहीं करता कि रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो हो सके। तो डैम सेफ्टी कैसे अंडरटेक की जाती है देखना है, तो कई पार्ट्स इस मतलब जो डैम सेफ्टी उसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन जो होता है डैम्स का वो एक सेफ्टी मार्जिन पे अडेयर करें, फिर जो
जो उनको मेंटेनेंस या ऑपरेशन करना है उनका, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हो, जो डाटा रिकॉर्ड करना है वो रियल टाइम पे हो और एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो, जो फोरकास्टिंग करनी है हजार्डस इवेंट्स की, और जो इंस्टीट्यूट करना है इमरजेंसी प्लान्स। तो ये सारे कुछ बताए हैं इनमें से, ये सारे के सारे डैम सेफ्टी के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। जो सिक्किम का GLOFF है आपको, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड्स थी, वो रिवील ये करता है कि यहाँ पे पूर कंप्लाइंस है हर लेवल पे, ठीक है ना। डैम के डिजाइन से हो, चाहे वो स्पिलवे कैपेसिटी हो वहां तक भी, ठीक है ना। स्पिलवे कैपेसिटी का मतलब है जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रिजर्वोयर। तो ये भी डेफिनेशन के लिए आप याद रखें स्पिलवे कैपेसिटी क्या होती है। तो हर लेवल पे जो है कहीं ना कहीं पूर कंप्लाइंस देखने को मिला है। जो हजार्ड प्रोफाइलिंग और जो रेगुलर असेसमेंट थे जो मैंडेट किए थे एक्ट ने, वो भी कहीं ना कहीं मतलब उनमें भी कंप्लाइंस देखने को नहीं था, ठीक है ना। तो जरूरत क्या है, तो एक्ट ये रिक्वायर करता है डैम बिल्डर्स को, तो इसमें कुछ पनिशमेंट का भी था कि क्या पनिशमेंट्स के प्रोविजन है नहीं है, तो वो तो बताएं कि हाँ बिल्कुल है पनिशमेंट के प्रोविजन है। और जो एक्ट रिक्वायर करता था डैम बिल्डर्स को, वो करता था कि कंडक्ट कॉम्प्रीहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशंस, बट देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाउ द फेलियर इज एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड। तो एक्ट ये रिक्वायर जो होगा, जो भी डैम बिल्डर्स है वो कॉम्प्रीहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशंस करेंगे, लेकिन कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नहीं था कि फेलियर को या कैसे एनालाइज किया जाएगा या कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये कुछ लूपहोल्स थे, ठीक है। उसके बाद है व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिज। तो पिछले हफ्ते ये न्यूज पूरे उसमें रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए, उसको कि उनको परमिशन दी जाए उसको सेम सेक्स मैरिज को जो अलाउ किया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, 5 जज की ये बेंच थी, उसने डिक्लाइन कर दिया था, 3-2 की मेजोरिटी से डिसीजन आया था, और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज एक्ट को। और उन्होंने बोला कि ये पार्लियामेंट का मैटर है कि लेजिस्लेट करे उस सब्जेक्ट पे। बेंच ने रूल किया कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन, क्योंकि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है मैरी करने का, तो इसलिए उस पर कोर्ट जो है इंटरवीन नहीं कर सकता, ठीक है ना। हालांकि कोर्ट ने जो उनके राइट्स मतलब बाकी उनके जो हैरेसमेंट होता है उसके रिगार्डिंग बोला है कि उनको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑथर ने वही बोला यहाँ पे देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज क्यों किया है कि जो रीड डाउन करना है एसएमए स्पेशल मैरिज एक्ट को रीड डाउन किया। तो उन्होंने बोला कि वेदर अ चेंज शुड बी ब्रॉट इन टू द लेजिस्लेटिव रेजिम ऑफ द एसएमए इज फॉर पार्लियामेंट टू डिटरमाइन। ये डिटरमाइन करना पार्लियामेंट का काम है कि क्या चेंज लेजिस्लेचर या लॉ में स्टेट्यूट में लाने की जरूरत है या नहीं है। दिस कोर्ट कैन नॉट आइदर स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एसएमए और रीड वर्ड्स इन टू द एसएमए बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन। कुछ इंस्टीट्यूशन लिमिटेशन है कोर्ट की भी, तो उसकी वजह से ना तो उसकी स्ट्राइक डाउन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उस और जो एसएमए एक्ट है उसकी, ना ही उसके उसमें वर्ड जो है वो एड कर सकता है अपने आप से, ठीक है ना, क्योंकि इट वुड अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन, ठीक है ना। द कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ मैटर्स पर्टिकुलरली दोज इंपिंजिंग ऑन पॉलिसी विच फॉल इन द लेजिस्लेटिव डोमेन। ये सारे मैटर्स जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो लेजिस्लेटिव डोमेन में आते हैं, इसलिए कोर्ट जो है इन मैटर्स में जो है उनसे इंटरवेंशन ना करे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा कोर्ट ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है विल द सिक्किम फ्लड इम्पैक्ट हाइडल प्रोजेक्ट। तो हाइडल प्रोजेक्ट का तो पता ही है क्या फर्क पड़ा है उन पे। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था लगभग 1806 मेगावाट का जो सिक्किम हाइडल पावर प्रोजेक्ट से होता था वो एकदम होल्ड पे आ गया, और बाकी जो 1200 मेगावाट का चुंगथुम तीस्ता स्टेज 3 डैम है वो वॉश डबे हुआ था इसमें फ्लड्स के द्वारा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड रही है रीजन में, ठीक है ना। तो ग्लोफ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो ग्लोफ क्या है, इस बार ये न्यूज में है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूछा भी जा सकता है। ग्लोफ होता है बेसिकली ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और ये एक सडन रिलीज होता है वाटर का फ्रॉम ए लेक फेड बाय ग्लेशियर। जो भी लेक मान लो ये लेक है और ये ग्लेशियर का पानी यहाँ से आके मेल्ट होके ये जो है लेक बनी हुई है, अगर सडन रिलीज हो जाएगा वाटर का इस लेक में से ग्लेशियर के द्वारा, दैट हैज फॉर्म्ड एट द साइड इन फ्रंट विद इन या बीनीथ और ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। तो इस फिनोमिना को बोलेंगे हम लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है ना। तो सिक्किम के केस में ये देखने को मिला था। स्टेटस क्या है हाइडल पावर प्रोजेक्ट का सिक्किम में, तो जो 1200 मेगावाट का तीसरा स्टेज 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो कि कहाँ पे था, चुंगथेंग विलेज था मंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ सिक्किम, वो कमीशन हुआ था फरवरी 2017 में। तो ये भी आपको याद रखना है फरवरी 2017 में हुआ था और ये लगभग 6 साल पुराना है, तो लगभग 2023 है अब, तो 6 साल पहले बना था, और ये डैम जो है ये कलेप्स हुआ था अभी ग्लोफ वाले फिनोमिना में, ठीक है ना। तो यही है आगे के लिए। तो ऑथर ने ये बोला है कि जो सिक्किम मतलब एक तरह से एनालिसिस की ज्यादा जरूरत है और पूरी तरह से देखना पड़ेगा कि क्या इवेंट या क्लाइमेट चेंज है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वो पोज कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बताया था कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला है कि जो वो डैम एक्चुअली पास हुआ था, जब वो पास किया गया था तो वो एज ए ग्रेविटी
डैम उसको पास किया था, लेकिन उसको जो है वो सिर्फ रॉक स्ट्रक्चर वाला जो है वो बनाया गया था, ठीक है ना। इसमें हाँ चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोफाइल्स में आज तीन हैं। सबसे पहले गाजा को दिया हुआ है, गाजा के बारे में जान लीजिए। गाजा है क्या, बेसिकली एक ट्री मेडिटेरेनियन स्ट्रिप है लैंड की, विच हैज बीन थ्रस्ट इनटू द स्पॉटलाइट वंस अगेन आफ्टर द अक्टूबर 7 अटैक बाय हमास, शैटर्ड इजराइल सिक्योरिटी मॉडल एंड ब्रॉट द पैलेस्टीन क्वेश्चन बैक टू द फॉरन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में रीजन है तो गाजा, बेसिकली आपको लोकेशन बता दें, गाजा एक ट्री मेडिटेरेनियन स्ट्रिप है लैंड की, जो वेस्ट बैंक के बीच है, ठीक है ना, और जो लैंड है ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर पे, ये जो है लोकेटेड है गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना, वेस्ट बैंक वाले रीजन में है। और जो वेस्ट सॉरी जो गाजा है वो मेडिटेरेनियन स्ट्रिप है लैंड की, और जो वेस्ट बैंक है वो वेस्टर्न बैंक जो जॉर्डन रिवर का है उसके वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक बोला जाता है, ठीक है ना, हालांकि इसराइल के ईस्टर्न साइड पे है। ठीक, हिस्ट्री देखोगे गाजा के तो जो पैलेस्टीन है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था ऑटोमन एम्पायर में 16 सेंचुरी में, और इसको जो है 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था, उसी का एक डिस्ट्रिक्ट जो था वो था डिस्ट्रिक्ट ऑफ गाजा, जिसको गाजा संजक बोलते थे, उनमें से एक ये था। और ये स्ट्रेच है जाफा इन द नॉर्थ, जिस जो कि अब इसराइल का पार्ट है, टू राफा जो कि बॉर्डर करता है अभी इजिप्ट के साथ, और ये साउथ में, तो नॉर्थ में जाफा और साउथ में जो है वो राफा। तो राफा बॉर्डर भी आपने देखो इजिप्ट में न्यूज में था, जहां से जो है ह्यूमैनिटेरियन एड को जो है अलाउ किया गया था, जो ट्रक्स थे ह्यूमैनिटेरियन एड वाले उनको बोला था कि आप यहाँ से आ जाए राफा बॉर्डर से, ठीक है ना, ओनली एग्जिट बोलते हैं इसको, इसी से जो है वो रिफ्यूजीज भी आ जा रहे हैं। 1917 में ड्यूरिंग द लास्ट लेग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको याद हो तो ब्रिटिश ने जो है कैप्चर कर लिया था पैलेस्टीन को, इंक्लूडिंग गाजा, और फ्रॉम द क्रम्बलिंग ऑटोमन एम्पायर, जो ऑटोमन एम्पायर ब्रेक हुआ उसमें से पैलेस्टीन का कैप्चर किसने कर लिया, ब्रिटिश ने, और उसी में गाजा भी इंक्लूड था। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान आया, जिसमें पैलेस्टीन को जो है डिवाइड करा गया अरब स्टेट में और एक ज्यूइश स्टेट में, और जो इंटरनेशनल सिटी थी जेरूसलेम को तीन भागों में डिवाइड कर, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट कर दिया किसके द्वारा, अरब ने इसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1948 में जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट एंड हुआ तो जो जियोनिस्ट थे उन्होंने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इसराइल को, जिससे जो 1948 का वार था वो ट्रिगर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तो कहानी आपको पता है, 1948 में पांच जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने इसराइल पर अटैक कर दिया, और उसके बाद ये सब हुआ, ठीक है ना। तो वहां पे फर्स्ट इंटिफाडा इसको बोला गया था, जो गाजा जो आउटब्रेक हुआ था ये, और दिसंबर 8, 1987 को जो कुछ पैलेस्टीनियंस थे वो इस ट्रैफिक इंसिडेंट जो हुआ था ये दिसंबर 8 को, उसमें कुछ वो किल हो गए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, उसमें इसराइली ड्राइवर थे, तो उसकी वजह से जो है वे वो प्रोटेस्ट हो गई वहां पे, तो वहां पे जो PLO था, ठीक है ना, उसने जो है मास अपराइजिंग के लिए, उसके बाद हमास जो है एस्टेब्लिशमेंट उसके एक साल बाद हुआ। तो यहाँ पे PLO आपको ध्यान रखना है, ये है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे फतह और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे थे सबसे शुरू में, और फिर जो 1988 के अराउंड जो है आपका हमास का एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर ओस्लो कोड साइंड होते हैं 1993 में, जिन्होंने जो है एक प्रोविजनल अथॉरिटी बनाई, जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विच इज बीइंग फॉर्मड विद लिमिटेड पावर्स इन पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा, लेकिन जो रियल प्रॉमिस था ओस्लो अकॉर्ड का वो ये था, ओस्लो प्रोसेस का वो कि पैलेस्टीन को जो स्टेटहुड दिलाया जाएगा, लेकिन ओस्लो अकॉर्ड फेलियर हो गए थे। तो ओस्लो अकॉर्ड के फेलियर की वजह से क्या हुआ, सेकेंड इन्फिडाटा हुआ जिसको हम, ठीक है ना, मतलब सेकेंड जो वो है अपराइजिंग हुई वो हुई 2000 में, ठीक है, फर्स्ट इंटिफाडा के बाद सेकेंड अपराइजिंग हुई 2000 में, जिसके बाद फिर वॉयलेंस हो गया, यही सारा रहा, ठीक है ना। उसके बाद इसको लार्जेस्ट ओपन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन प्रिजन भी बोला जाता है गाजा को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अरब इसराइल का जो वार था 1940, तो अरब जो थे जो अपरूट कर रहे थे उनके होम से उन्होंने रिफ्यूज लिया था गाजा में और वेस्ट बैंक में। फिर जैसे जैसे रेफ्यूजी जाते रहते हैं तो पॉपुलेशन जो गाजा की वो बढ़ती गई और लगभग 2 लाख तक हो गई, विद इन मंथ जो है 2 लाख पॉपुलेशन पहुंच गई। फिर इसराइल ने जो पुल बैक कर लिया ट्रूप्स अपनी को और सेटलर्स को भी गाजा से 2007 में। फिर वहां पे इलेक्शंस हुए और जो मिलिटेंट ग्रुप हमास था उस वो पावर में आ गया उसके बाद से, ठीक है ना। फिर जो टेरिटरीज हैं व्हिच इज विटनेस टू ओकेजनल आउटब्रेक ऑफ वायलेंस सो इट्स लार्जेस्ट फ्लेयर अप इन रीसेंट टाइम्स व्हेन हमास अटैक्ड इजराइल किलिंग सम 1400 पीपल, जो ये अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था उसमें उस अटैक के बाद जो है जो इजरायली है वो लगभग 1400 हुए। उसके बाद इजराइल ने जो है मिलिट्री रिस्पॉन्स और जो काउंटर अटैक किया था उसमें ब्लॉकेड की थी, उसमें लगभग 4000 फिलिस्तीनियन जो है वो अभी तक जो है वो उनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। तो ये इशू है आप ध्यान रखेंगे। वेकअप कॉल कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट CTBT इसको बोलते हैं,
तो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो रशिया है उसने भी जो है अपने पार्लियामेंट में ये पास कर दिया है कि ये रिवोक करेगा, रिवोक इट्स रेटिफिकेशन ऑफ द सीटीबीटी, सीटीबीटी को रिवोक करने के लिए जो है पास कर दिया है लेजिस्लेचर में उन्होंने, ठीक है ना बिल। तो उसी के रिगार्डिंग है, सीटीबीटी क्या था, इट सीक्स टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ मिलिट्री एंड पीसफुल पर्पजेज। तो ये दोनों ही तरह का अटैक को जो है, दोनों ही तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को जो है वो बैन करता है, मना करता है। और अभी तक जो अगर आप देखते हो 187 कंट्रीज जो है इसको साइन कर चुकी हैं और 178 जो इसको रेटिफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ये लीगली फोर्स में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन ये थी कि ये सिर्फ तभी फोर्स में आ सकता है जब 44 कंट्रीज जो है इसको रेटिफाई करेंगे। अब आप सोचेंगे 178 तो रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 48 कंट्रीज वो वाली जो इस ट्रीटी के एनेक्सर 2 का पार्ट थी और जिनके पास फॉर्मली पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था 1996 के सेशन में, जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेमेंट पे सेशन हुआ था, तो उसमें ये 44 कंट्रीज वो थी जिनके पास या तो न्यूक्लियर पावर है या फिर रिसर्च रिएक्टर्स हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। इनमें से नॉर्थ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान ने जो है ये ट्रीटी अभी तक साइन नहीं की है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया ने सीटीबीटी साइन नहीं की है। कभी आप इस ऑप्शन को गलत मार कर दे, साइन नहीं किया, रेटिफाई करने की तो बात बाद में आएगी। वहीं 5 कंट्री जो है इन 44 में से, जो कि चाइना है, इजिप्ट है, ईरान, इजराइल और यूएस है, उन्होंने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है ना। तो 9 कंट्रीज जो ये 44 है उनमें से 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और 35 कंट्रीज जो है उनके पास न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च रिएक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये 44 कंट्रीज का साइन और रेटिफाई करना जरूरी है, इसके बाद जो है वो इफेक्ट में आ सकती है। तो जो यूएस था उसने सबसे पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट किया था जुलाई 16, 1945 को, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे किया था, अल्मोगोर्डो में किया था, न्यू मैक्सिको में, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है 1945, सबको पता है जो नागासाकी और हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बॉम्ब डाले गए थे, वो इवेंट तो सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 2 के, ठीक है ना। सीटीबीटी में बेसिकली क्या है, जो रेजिम है उसके 3 मेन कंपोनेंट है, एक तो आईएमएस है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल डाटा सेंटर है, और तीसरा जो है इसमें वो है ऑन साइट इंस्पेक्शंस विच विल बी पॉसिबल वंस द ट्रीटी इज एनफोर्स। तो ये जो आईएमएस है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है सीज्मिक, ये आप डेफिनेशन जानते हैं, सीज्मिक का मतलब है शॉक वेव जो ग्राउंड से प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोएकोस्टिक जो साउंड वेव्स ओशंस में प्रोड्यूस होते हैं, इंफ्रासाउंड अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव सोचिए जो इनऑडिबल है ह्यूमन ईयर्स के लिए, और रेडियो न्यूक्लियाइड होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और गैसेज जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो एटमोसफेयर में रिलीज होते हैं। तो इन सारे सिग्नल्स को जो है डिटेक्ट करने के लिए जो है वो ग्लोबल फैसिलिटी 300 जो है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंडर जो है वो एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एवर सिंस द ट्रीटी वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर 1996, 10 न्यूक्लियर टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड। जब से ट्रीटी साइन हुई है, सिग्नेचर के लिए ओपन किया, तब से 10 टेस्ट जो है कंडक्ट किए, 2 इंडिया ने, 2 पाकिस्तान ने और 6 जो है वो नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन ये अगर देखें आप तो ये बहुत कम है, क्योंकि इस अगर जब से पहले ये ट्रीटी नहीं थी उससे पहले 2000 से ज्यादा जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट किए गए थे ग्लोबली 1945-1996 के बीच में। तो आप देख सकते कितना ज्यादा वो था। हालांकि रशिया ये कह रहा है कि इस मूव से कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल, यूक्रेन तो इसको बोल रहा है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, लेकिन रशिया ये कह रहा है कि इससे कोई स्टेटस को पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये इंटेंट है वो इसलिए नहीं है कि जब तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक जो है यूएस जो है वो नहीं करता है सब पहले, ठीक है ना। तो रशिया ने ये क्लैरिफिकेशन अपना दिया है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल में आ जाए वो मोहम्मद यूनस जी हैं, जो नोबल पीस प्राइज विनर हैं बांग्लादेश से, और इनको जो है माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट के लिए इनको जो है दिया गया था, और इनके ऊपर लगभग 150 से ज्यादा केसेज ये फेस कर रहे हैं सिंस द आवामी लीग केम टू पावर इन 2008। तो जो ग्रामीण बैंक था इनका जो था वो, और मोहम्मद यूनस को जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2006 में फॉर लैंडिंग अ सोशल कंसर्न टू कैपिटलिज्म एंड देयर एफर्ट्स टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिलो। तो जो माइक्रो क्रेडिट का मॉडल था वो इन्होंने ये डेवलप किया था, और हालांकि इसको इनको जो है कई सा ये चार्जेस तो बहुत सारे लगे हुए हैं इनके ऊपर कि इन्होंने, सॉरी, हाँ जी, बहुत सारे इन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि भाई क्रिमिनल केस भी लगाएंगे इनके ऊपर, और इनको जो है फंड्स के लिए बोला है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस लगाए, लेकिन इन सब के चलते भी जो अनसेवरी साइड्स हो जाए, मिस्टर यूनस विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज रोल इन एक्सपेंडिंग माइक्रो फाइनेंस अराउंड द वर्ल्ड। माइक्रो फाइनेंस को जो है वर्ल्ड को देने का क्रेडिट नहीं को जाता, और ये माइक्रो क्रेडिट जो है मॉडल है वो बहुत सारी कंट्रीज ने और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यूटिलाइज भी किया और कॉपी भी किया है। अगर एक एस्टिमेट देखें तो ग्लोबल जो माइक्रो फाइनेंस मार्केट की वैल्यू है वो $178.8 बिलियन था 2020 में, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये $496.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 में, ठीक है।
तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल आपको ये डिस्कशन आपकी एनालिसिस आज भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।